नमस्कार दोस्तों। तो ये वो डिटेल्ड वीडियो है जो मैं बना रहा हूँ आपके लिए, जो मैं पहले भी बताया था, कॉन्स्टेलेशंस, नक्षत्र और मंजिल के बारे में। मुझे पता है कि आप में से कई लोगों को एस्ट्रोलॉजी का टेक्निकल नॉलेज नहीं पता है, या एस्ट्रोलॉजी के बारे में ही बिल्कुल भी कुछ नहीं पता है। आपको जो भी पता है ज्योतिष के बारे में, वो सब पेपर, न्यूज़ या टीवी में देखकर आप खुश हो जाते हो, लेकिन ज्योतिष एक्चुअली बहुत डीप है। आई ऑफ वेद बोलते हैं इसको। तो मैं बहुत ही सिंपल स्टेप्स आपको बताऊंगा और आप जाके इस साइट पे जाके आप पढ़ सकते हैं। पहले आपको फ्री साइट एक दिखाता हूँ जहाँ आप अपना कुंडली बना सकते हो, जैसे कि मैं अपना बना रहा हूँ। दिसंबर 15, सेवेंटी सिक्स, 8:30, तो ये मेरा नई दिल्ली। तो ऐसे पूछेगा ये, यही है क्या, हमें बस कंटिन्यू करना है। ये आपका कुंडली बन गया। अभी आपको क्या करना है, इधर देखिए, प्लैनेटरी डिटेल्स। तो ये वेस्टर्न सिस्टम में आपको लॉन्गिट्यूड ये सब बताएगा, ये इंडियन सिस्टम नहीं है। नक्षत्र ठीक है, नक्षत्र इंडियन सिस्टम के हिसाब से ठीक बनते हैं। तो वेस्टर्न सिस्टम में देखिए, लग्न 11:44 कैप्रिकॉन, सूरज 23 सैजिटेरियस यानी धनु, चंद्रमा 2 लिब्रा। तो अभी क्या करना है, कॉन्स्टलेशन ऑफ वर्ड्स में जाना है, ठीक है। इन सारे डिग्रीज को आप पेपर पेन में लिख लो, सारे ग्रहों को, डिग्रीज को, साइंस को, नक्षत्र को। अभी फिलहाल नक्षत्र को भूल जाओ, ये दूसरे साइट में देख सकते हैं। इसको लिख लो एक जगह और इधर जाओ। तो कॉन्स्टेलेशन ऑफ वर्ड्स का पहला पेज ऐसे दिखेगा, लेकिन आपको क्या करना है, स्टार लिस्ट एंड आर्टिकल्स ऐसे क्लिक करो, क्लिक करो, वो है ना ओरियो बिस्किट की तरह,
इसको क्लिक करो। ठीक है, तो अभी हमने क्लिक कर दिया, तो यहां सारे डिग्रीज हैं, 0 एरीज, 0 एरीज, 2 एरीज, ऐसे करके। ठीक है, तो आप वापस अपना देखो। अब जैसे कि मैं अपना देख रहा हूं, ये 1144 कैप्रिकॉन में है, तो मुझे क्या करना है, प्लस और माइनस 2 डिग्रीज, मतलब 10 से लेके 12 तक के बीच में जो भी नक्षत्र इधर हैं, वो नक्षत्र को क्लिक करना है। अब जैसे कि इधर ये देखिए, तो इधर फेसिस हैं, लेकिन ये थोड़ा दूर है। नुनकी है 10 से 12 तक, असिला भी 12 से है, तो मैं सिर्फ ये दो देख सकता हूं मेरे लग्न के लिए। लग्न मतलब आप जब पैदा हुए, वो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब लोग अपना चांद का राशि देखते हैं या सूरज का देखते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं नून की क्लिक करता हूं। ठीक है, अब देखिए, देखते ही आपको कुछ आइडिया आएगा। नुनकी किधर है, तीर के ऊपर है। ठीक है, अगर आकाश में जब आप देखेंगे तो आपको सिर्फ ये तारे दिखेंगे, तो हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने उसके ऊपर धनुष और ये घोड़ा या आदमी बना दिया। अभी नुनकी एग्जैक्टली इधर है, तीर के ऊपर। ठीक है, और ये पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हो। इन इंडिया इट मार्क द जंक्शन ऑफ आषाढ़ा विथ अभिजीत, इट लाइज ऑन द वेन ऑफ द एरो ऑफ आर्चर्स हैंड। नुनकी, अल नाम अल सदीरा, ये अरबिक नाम है, उसको हम अरबिक में मंजिल बोलते हैं। ठीक है, और इंडिया में हम उसको क्या बोलते हैं, पूर्वाषाढ़। इधर लिखा है, देखिए, नुनकी एंड फाइव फॉर्म द 18th नक्षत्र पूर्वाषाढ़ हिंदू मून मेंशन, मतलब इंडियन सिस्टम में। द फॉर्मर अनकॉन्कर्ड सिंबल ऑफ एलिफेंट्स टस्क। अब मजेदार बात मैं बताता हूं, देखिए, एज फॉर द आर्चर व्हेन द फॉरमोस्ट पोर्शन ऑफ क्लोक राइजेस ही विल गिव बर्थ टू हार्ट रिनोन्ड इन वॉर, मतलब युद्ध में इसका नाम अच्छा रहेगा। सेलिब्रेटिंग ग्रेट ट्रायम्फ्स इन द साइट ऑफ ऑल टू हिज कंट्री सिटाडेल्स, सच ए वन विल बिल्ड हाई वॉल्स वन मोमेंट एंड पुल डाउन देन द नेक्स्ट। मतलब मैं एक दिन एक वीडियो बनाऊंगा, दूसरे दिन उसको फाड़ दूंगा, अपना एक चैनल बनाऊंगा, उसको दूसरे दिन डिलीट कर दूंगा। समझ रहे हो ना, यहां जो भी लिखा है उसको एज इट इज लिटरली नहीं लेना है। युद्ध में प्रवीण मतलब वो मेरा पिछला जन्म है, इस जन्म में नहीं, इस जन्म में उसके इफेक्ट्स रहेंगे, वो थीम रहेगा। बट ए फॉर्चून फेवर्स टू विद सक्सेस द मार्क ऑफ हर एनवी इज टू बी सीन ऑन देयर फेसेस फॉर शी वर्क्स क्रूएल हैवॉक अपॉन देयर फीचर्स, मतलब उनका चेहरा बिगड़ जाएगा। सो वॉज इट डेट ए ड्रेड वॉरियर पेड फॉर विक्ट्रीज ऑफ ट्रिबिया कैंसी एंड लेक विथ सच डिसफिगर्डमेंट, हैनिबल हु लॉस्ट एन आई, सैजिटेरियस इज वन आईड, मेरा एक आंख नहीं है। हैनिबल एक वॉरियर था, एक योद्धा था। तो हमें कैसे समझना है कि अभी अभी मैं तीर बाण या मत क्या बोलते हैं उसको, एक गन लेके मैं थोड़ी भागूंगा। थीम्स को समझना है, यहां जो भी पढ़ रहे हैं उसको थीम को समझना है, ऐसा नहीं है कि उधर जो लिखा वही आप। और सुनिए, बट दोस हु आर बॉर्न इन सेंटर ऑफ डबल डिलाइट फॉर्म योकिंग ए टीम, मतलब उनको तब मजा आता है जब वो टीम बनाते हैं। ब्रिंगिंग फायरी हॉर्स टू ओबे द प्लेन रेन्स, थोड़ा कठिन इंग्लिश है, लेकिन आप इसको गूगल ट्रांसलेट में कहीं जाके आप धीरे धीरे समझ सकते हो, अगर आपकी अंग्रेजी उतनी ठीक नहीं है तो।
तो योकिंग ए टीम, मतलब एक टीम बनाने में मुझे मजा आता है। एक घोड़े को क्या बोलते हैं उसको, टेम करना, हाँ घोड़े की नाल क्या बोलते हैं आप हिंदी वाले, सॉफ्ट एंड टाइगर्स, इवन टाइगर को भी मैं ठीक कर सकता हूँ। स्पीक टू एलिफेंट मतलब माउथ, ही इज हैविंग ए स्ट्रेंथ ऑफ कीननेस टू द इंटेलेक्ट, स्विफ्टनेस ऑफ मूवमेंट एंड इनडिफैटिजेबल स्पिरिट, मतलब हार नहीं मानूंगा मैं। और ये भी देखिए, बुध हाई गवर्नमेंट पोजिशन, बुध भी मेरा उधर ही है, मुंकी में है। हाई गवर्नमेंट पोजिशन तो है नहीं मेरा, तो ये पिछले जन्म में हो सकता है, तो हर चीज जो लिखा है उधर नहीं होगा। पॉपुलर क्रिटिसिज्म, हाँ पॉपुलर क्रिटिसिज्म होता है मेरा, मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ सब मेरे को काफी क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि मेरा टॉपिक्स मन हिलाने वाला टॉपिक है। आधी जनता प्रोग्राम्स है, सिर्फ कुछ जनता सोल्स हैं, ऐसे टाइप का टॉपिक बनाएंगे तो ऑब्वियसली क्रिटिसिज्म तो होगा ही। एंग्जाइटी, इलनेस ऑफ वाइफ और मदर, हाँ मेरी माँ बचपन में ही मर गई थी। और इसके अलावा और एक मजेदार चीज जो है इस साइट में, मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए आर्टिकल्स देखिए बहुत मजेदार है इसमें। एज ऑफ पाइसिस जो खत्म हो गया, हम एज ऑफ एक्वेरियस में आ गए, ये सब है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको अपनी कुंडली में देखना है कि क्या आप फॉरेन जाओगे, आपके हॉबीज और इंटरेस्ट कैसे रहेंगे, आप क्या क्या काम कर सकते हो और आपके पास कैसा टाइप का एबिलिटी रहेगा, ठीक है, कैरेक्टर ट्रेट्स, माइंड एंड इंटेलेक्ट, फिजिकल डिफेक्ट्स, इंजुरीज, लव अफेयर, सब कुछ आप क्लिक करके सेम डिग्रीज को आप देख सकते हो। फेम भी शायद कहीं है। सीक्रेट सोसाइटीज भी है शायद कहीं। ये देखिए रिलीजन एंड हायर माइंड, फेम, रेपुटेशन एंड ऑनर्स। अभी मैं फेम, रेपुटेशन एंड ऑनर्स क्लिक किया। तो ये प्लैनेट्स भी होने चाहिए। तो ये डिग्रीज हैं, देखिए सैज, पाइस, पाइसिस, लिब्रा, ऐसे देखना है आपको। ये देखिए नुनकी, लेकिन शनि होगा, लेकिन मेरा शनि नहीं है, मेरा बुध है। ये देखिए फेम, वेगा 13 कैप्रिकॉन, मेरा बहुत पास है, 12 डिग्री में मेरा बुध है वेगा, तो वेगा का इफेक्ट फेम मेरे को मेरे लाइफ में रहेगा। मेरे बचपन से थोड़ा मैं फेमस ही था, मेरे को बचपन में स्कॉलरशिप मिला था, तो मेरे वाइजैग स्टील प्लांट में सबको पता था कि मैं एक बंदा हूँ, चुपचाप रहता हूँ, और मुझे नेशनल लेवल पे स्कॉलरशिप मिला है। तो ये एक साइट आप देख सकते हैं। दूसरा है एक बहुत बड़े ग्रेट एस्ट्रोलॉजर हैं, उनका बुक खरीद के पढ़ सकते हैं, राज त्रिवेदी,
राज त्रिवेदी नक्षत्रस। ये बुक आप पढ़ सकते हैं, 500 रुपये का आता है। इसमें भी आप पूरा पढ़ सकते हैं अपने नक्षत्र। नक्षत्र आपको इधर ये पूर्वाषाढ़, मूल, हस्त, ज्येष्ठ, इन सब के बारे में इनके पुस्तक में जैसा लिखा है और कोई भी पुस्तक में नहीं लिखा है, ये इन सब के नक्षत्रों के बाचा हैं। वैसे ये फ्री साइट भी है, क्रैक साइट, एक रशियन साइट है शायद। ठीक है, धन्यवाद।